हाय दोस्तों, ओखला की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है और अभी हम लोग अब ओखला से और एटा के लिए निकलने वाले हैं। सारे लोग तैयार हैं और ये हमारी गाड़ी भी है और हम लोग जब स्टार्ट करने वाले एटा की है, और इससे एंजॉय करेंगे, फुल मजा करेंगे। ओके बाय। हाँ हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अगला के घर पे और ये मैं अगला का घर दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और ये दोस्त है मेरा शादीप, हम लोग घर पे अगला के आ चुके हैं। अब हम लोग अगला के घर पे ले चलते हैं आपको, अगला का घर आ जाइए, अगला के घर पे दिखाता हूँ आपको। ये अगला के चाचा है और ये अगला के फूफा है। अगलाक, ये अगलाक है। हेलो, हेलो, ये आ गया, अगलाक आ गया है। अलीम साहब आ चुके हैं शादी की तैयारी के लिए, बिल्कुल इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे लोग फैमिली वाले हैं अगलाक के, ये अगलाक की बहन है छोटी सबसे। गाइस अभी शादी का सेलिब्रेशन होने वाला है और अभी मेहंदी का प्रोग्राम है। मैं आपको मेहंदी के बाद दिखाना चाहता हूँ, देखिए मेहंदी का सारा सजावट है और काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेशन किया गया है मेहंदी का। और इसी तरीके से मैं आपको और आगे भी दिखाता रहूँगा ब्लॉग में। ये अगलाक का पूरा घर है, ये अगलाक के भाई हैं, ये छोटे छोटे भतीजे हैं अगलाक की, पूरा फैमिली है। तो ये फैमिली मेम्बर है, अम्मी है। तो अभी मैं रखता हूँ और अगलाक, चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ अगलाक की शादी में जो बड़ी पूरी जा रही है उसके बारे में भी दिखाना चाहता हूँ। गाय जी अगलाक के पापा है जो कलर लगा के बैठे हुए तैयारी कल की कर रहे हैं, और मैं आपको बड़ी पूरी का सामान दिखा देता हूँ। ये देखिए बड़ी पूरी का सामान, ये सारा बड़ी पूरी का सामान है, ये कल लड़की वालों के घर जाएगा। ये काफ़ी अच्छे सूट्स और ड्राई फ्रूट वगैरह अगलाक ने लिए हुए हैं, काफ़ी सूट हैं, ड्राई फ्रूट भी हैं, तो काफ़ी इन्जॉय हो रहा है। और डांस वगैरह होगा उसका भी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी अच्छी शादी का इंतजाम है पूरे घर में, काफ़ी लोग खुश हैं और पूरे सभी फैमिली वाले काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं रखता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। सेलिब्रेशन हो रहा है अगलाक की शादी का, देखिए बहनें मेहंदी लगा रही हैं, दोनों बहनें अगलाक की, और ये सिस्टर कजिन सिस्टर है, ये भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी शादी का यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं फैमिली है, फुल इंजॉय हो रहा है, कैमरा मैन भी है, अपना काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। लोग खुश हैं, अगलाक भी बहुत खुश है। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाय दोस्तों, अब मैं अपने दोस्त शाजीब के घर आया हुआ हूँ और मैं उसका घर दिखाना चाहता हूँ। अभी उसने मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया हुआ है, तो चलते हैं उसके घर पे हम लोग। अरे आप देख सकते हैं, अब मैं घर पे जा रहा हूँ अंदर, आप देखिए शाजीब कहाँ है शाजीब, ये सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये दादा भाई, कितनी देर में आ गए यार तुम, यार हमारे टाइम लगा दिया, तो खा रहे हम, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं इतना लेट नहीं होता, आदमी सारा खाना खा रहे हम लोग। चलिए माशाल्लाह, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, उसके बाद में बात करते हैं आप लोगों से और अगलाक की और शादी की जो भी है आपको डिटेल मिलती रहेगी। है बस 10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलने वाले दिल्ली के लिए, ठीक है दोस्त की धन्यवाद रेडियो, मजा लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दिल्ली में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगलाक की अब मॉर्निंग में बारात निकलने वाली है और ये तैयारी भी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं सारे फैमिली वाले, भैनोई साहब और बहन वगैरह, इनको शेरवानी पहना रही है, ये रस्म होती है, ये भी अपना हक लेते हैं। सारे फैमिली तैयार हो गए, अलग तैयार हो गए।
लाख के अम्मी पापा हैं और आप देख सकते हैं प्यार से बस ऐसे ही अरे वाह भैया पहना दो भाभी का काजल लगाई का गिफ्ट सुरमा लगाई का भैया एक मिनट ऐसे है ना सुरमा लगाई का भैया देखो ठीक दरगाह पे कर लो सलाम कर लो आप लोग यार क्या कर कपूर साहब बाबा हैं हमारे यहाँ के काफ़ी फेमस पीर साहब हैं तो उनकी सलामी लेते हुए अखलाक और ये उनसे इजाज़त लेते हुए शादी की नई साथ काफ़ी सारी रस्में निभा रहा है अखलाक और बहुत अच्छे से ये अखलाक की शादी का ये सारे बराती तैयार हो गए हैं और ये गाड़ियां भी आ चुकी हैं बसें भी आ चुकी हैं और दो दो बसें हैं ये फैमिली वाले अखलाक के फादर हैं और ब्रदर हैं और ये बस में ऑलरेडी बारात बैठ चुकी है कुछ लोग इंतजार अखलाक ही आ गया है आप देख सकते हैं तो गाड़ी भी हमारी आ रही है गाड़ी भी रेडी है अखलाक भी आ रहा है ये फैमिली वाले हैं कर दूं भैया अरे भैया इसके ऑन फोकस करो स्माइल से भैया वेट अगला भाई बहुत शानदार हो गया बैठ भैया गाइस अभी बारात निकल चुकी है और हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और ये लोग फोटो सेशन हो रहा है तो ये शादी में हम लोग हाईवे पहुंच चुके हैं ये अब तैयारी और भी लोगों का इंतजार किया जा रहा है बसों का इंतजार किया जा रहा है गाड़ियों का इंतजार किया जा रहा है तो हम लोग इसलिए अभी फुल एंजॉय हो रहा है अगला की शादी में फुल इंटरटेनमेंट हो रहा है और अभी गाड़ियां आ रही हैं लोग हम लोग वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह और आगे भी आप इस तरीके से मैं ब्लॉग के जरिए से आपको बताता रहूँगा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम निकल चुके हैं अगला की शादी के लिए और ये हम रोड पे हैं ऑन द वे हैं और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं दिल्ली तकरीबन एक घंटा लग जाएगा और ये मेरा फ्रेंड है अभी हम लोग साथियों गाड़ी चला रहा है अखलाक आगे बैठा हुआ है हेलो हाय और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ तो माशाल्लाह बहुत एंजॉय हो रहा है अखलाक की शादी के अंदर काफी बड़े अच्छा लग रहा है जिन्होंने सारे फ्रेंड भी साथ में आए हुए हैं बड़े टाइम से एंजॉय हो रहा है और ये बारात के लिए हमें बारात में पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ भी फुल एंजॉय करेंगे और अच्छा अल्लाह से दुआ करो कि शादी बहुत अच्छी खैरियत के साथ खैरियत के दुल्हन अपने घर में ले गया आ रहा है और मैं आपको इसी तरीके से अपडेट करता रहूंगा इस शादी के बारे में आप देख सकते हैं ऑन द वे है गाड़ी चला रहा है साजिब वाह वाह ये गाड़ी क्रेटा में हम लोग इस टाइम सवार है ठीक है अल्लाह हाफिज मैंने सोचा था भाई अभी हम अखलाक के मैरिज होम में पहुंच गए शादी के और अभी हम लोग मैरिज होम में घुसने वाले हैं मैरिज होम में आप देख सकते हैं ये मैरिज होम की एंट्री है हम लोग मैरिज होम में एंट्री कर चुके हैं ये शादी हो गई है अखलाक की ये मेरी फैमिली है ये उजमा है ये मेरे बच्चे हैं और हम आगे दूल्हा के पास जा रहे हैं ये सभी लोग हैं
इनका वीडियो नहीं बनाई। बस ये अखलाक की निकाह की तैयारी होती हुई है। ये शानू है, हाय कर दो। ये फैमिली मेंबर सारे जितने भी हैं, और ये अखलाक की फैमिली है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दोस्त हैं और माशाल्लाह काफ़ी खुशी का माहौल है। ये निकाह हो रहा है, काजी साहब आ चुके हैं, ये पूरा मैरिज होम है। तो फैमिली वाले हैं, ये अखलाक की निकाह हो रहा है और अभी काजी साहब निकाह पढ़ाएंगे। आप देखिए सभी फैमिली वालों से, ये आतिफ है हमारा दोस्त और उनके भैनी साहब, हाय कर दो गाइस। एंजॉय हो रहा है। हाँ, अखलाक की शादी कैसी लग रही है? शादी फैसल कैसी लग रही है? एकदम बढ़िया, बढ़िया हो रही है भाई। निकाह में उसका सेहरा। अस्सलाम वालेकुम, और कैसा एंजॉय हो रहा है? अच्छे लग रहे हैं? हाँ जी भाभी, ये देखो अखलाक की भाभी है, ये पहचान में भी नहीं आ रही है आज। ये एक तो नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो आप, सभी लोग लग रहे हैं। वो खड़ी है, वो खड़ी है। हेलो, ये अखलाक। हाँ उजमा, उजमा खाने खा लिया? खाने खा लिया? अब ये हमारे साले साहिबा और ये सलेज हैं अजरा। माशाल्लाह कैसी रही शादी आज की? कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा, एंजॉय। चलिए, तो ये जाकिर भाई आ रहे हैं। जाकिर भाई कैसी रही शादी आज की? ठीक रही है ना? निकाह हो गया मंजू भाभी? चलो बढ़िया। चलो उजमा, माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ जी आतिफ, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय, बहुत एंजॉय हो रहा है ना। तो ये सारे फ्रेंड्स हमारे शादी में आए हुए हैं, भाभी भी आई हुई है, ये आसू भाई है उनकी फैमिली है, और ये दोस्त हैं, ये दानिश भाई है। तो माशाल्लाह आज शादी में लोग सभी लोगों ने शिरकत करी है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ये परवेज भाई है, और ये लो अखलाक साहब की शादी की वीडियो। यार दानिश भाई तुम कबाड़े सा लग रहे हो, हटो। ये अलीम साहब है हमारे दोस्त, और आज ये माशाल्लाह से सच दच के आए, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी आपके आगे लेके आइए, आप टहल टहल के आइए, थोड़ा सा लगेगा कि आप कैट वॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बड़ा माशाल्लाह। ये देखो, ये रेड वाली हमारी वाली है, ये रेड वाली आपकी है, ये रेड वाली हमारी आपकी है, ये बड़े वाली आपकी है, ये बड़े वालों की है। सब मजे में है, सब इंजॉय कर रहे हैं पूरी शादी का। खाना रेडी है, खाना रेडी होने वाला है, लेकिन सब लोग दूल्हा में व्यस्त है, फोटो खिंचवाना लो अभी। और बताओ और कुछ पुराने पैसे की बात है? अखलाक, अखलाक देना मत मोटे पे, पैसे दो तो मोटे देना, वरना देना मत। हाँ मैं तुम्हारी साइड बोलूंगा, टेंशन मत लो, मैं चाहता हूँ कि पैसे दे। अब बताओ ये सारी चुपड़िया की तुम्हें जितनी फिट पर मुझे कितनी जूते लिए तुम्हारे दो? अरे सोने के भाव बढ़ गए यार, एक काम करो, सोना महंगा हो गया। मेरी बात सुना, पाँच सौ चावल से हटा के 1000 रुपये कर दो, सारी बहने 2000 रुपये से आ ना, तो आपने छोटा मोटा यार 1000 में, 1000 रुपये कितना आपको छोटा बोला यार, 1000 रुपये नहीं, 1100 रुपये, 1100 रुपये राजीव। एक काम करो ना, आ रहा हूँ यार, यार अखलाक के जूते चोरी हो गए, कोई चोर ले गया। मैं एक मिनट अभी लेकर आ रहा हूँ।
5,000 अरे तो क्या हो गया बस अब देखो बहुत दे दिए ज्यादा हो गए तुम उधर से खाली साहिबाल अरे तेरे पास जूते की जरूरत क्या है गाड़ी में बैठ निकल ले वो पैसे बनिए के हाथ में दिए हैं वो तो और कम करेगा अभी ये हमारी टीम का बनिया है आप इधर कितनी मैंने 1 2 3 4 5 200 रुपए बहुत है छोटी छोटी तो वही नहीं है मदर डेट गया पागल हो रहे 200 रुपए दोगे यार इतनी अच्छी लड़कियों को बताओ यार पैसे नहीं है 5,000 आपके लिए करवा दिए मैंने बस एक बार बस 5 करा दो चलो 5 दे दो भाई 5 दे दो नुकसान आपका भी ना हो हमारा भी ना हो एक बीच का रास्ता निकाल लो नुकसान हमारा भी ना हो आपका भी ना हो भाई मैं तो राजी हूँ 5,000 दे दो पहली बार शादी हुई लंडी दो बार शादी हुई क्या लड़की जब से थोड़ी नहीं जा रहे 500 बढ़ा ये आपके तरफ से 2,000 हो गए ना देने नहीं है नहीं ये मान जाएंगे ना इसलिए दिखाते रहो भाई देखो वो बेचारी बच्ची है उनको तुम 5,000 दे दो उनका चेहरा उतरा हुआ अरे मैं बताऊँ ये बहुत सीधी है इतनी देर में जो देता ना पहले पिटना शुरू हो जाता है वो तो दोनों बेचारी शरीफ है वो मैंने तो 50,000 दिए थे फौरन भैया जी तुमने दिए थे अरे 50,000 भैया 5,000 दे यार अरे दो यार तुम जल्दी करो रात हो रही जाना मिल गई ना हम तुम्हारी तरफ से हैं अरे देखो आप कितनी 4-5 जने ना और 2,000 उस हिसाब से 500 घटा लो आप देखो हम अगर 2 बार बढ़ा रहे हैं तो आप भी 2 बार घटाओ एक बार घटाया 2,000 पे पहुंच गए सोचो अब आपने बोल दिया तो क्या करा जाए 20 से 5 देखिए बंदे को देखिए 20,000 ये कह रहे हैं ये तो अपनी शादी में चप्पल पहन के गए थे इसलिए तो पता नहीं कितने देना हाँ उठ अब भी पहना के देंगे चाहे 1 रुपया मत दो हो सकता तुम्हारे जेबों में डाल दें चाहे 1 रुपया मत दो ले आओ ले दे दो भाई 5,000 अरे नहीं यार 5,000 बच्ची को यार हमने तो कुछ दिखाया अभी तो कुछ दिखाई जाए मैं कैसे मान लूंगा दिखाना मत दिखाना मत खराब चले मेरा भाई एक ही है हमारी मत देखे दूसरे की
जूते दूंगी ना मैं, अब अलग उड़ के थोड़ी ना ये रहा। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए थैंक यू सो मच। एक बार इनका सलाम दुआ कुछ नहीं, अस्सलाम वालेकुम, ये भी मैं सिखाऊंगा। सब खुश हो? हाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चेहरे से लग रहा काफी हमारे लिए, इतना बहुत है। अखलाक भाई फोन का क्या कर रहे हैं? अरे ये आपको ज्यादा ही कर रहे हैं, चेहरा का कौन है? अखलाक भाई स्माइल स्माइल करिए, सभी लोग इधर देखिए इधर। आज आपकी भाभी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। 3 बज रहे हैं और हम लोग अब एटा की नहीं है वापस लौटते हुए शादी के, और ये सभी दोस्त यार दूल्हा और फैमिली के साथ गाड़ियां भी हैं। तो अब 3 बजे रात के 3 या 3:30 ऑलमोस्ट बज रहे हैं और हम लोग एटा के लिए रिटर्न हो रहे हैं और आधी रात तक पहुंच चुके हैं। आधी रास्ते में तो एक होटल है शिवा ढाबा, उस पर हम लोग चाय पी रहे हैं और इंशाल्लाह 1.5-2 घंटे में हम एटा पहुंच जाएंगे। और इंशाल्लाह इसी के साथ अब मेरा ये वाला ब्लॉग समाप्त होता है। अस्सलाम वालेकुम।